हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग. अब हम रेडी हो चुके हैं, जैसे आप देख रहे हो सारी चीज़ें हम रेडी कर रहे हैं और खुद भी रेडी हो चुके हैं. सो अब ये रात के टाइम पे तो कोई व्यू था नहीं, अभी आपको कुछ व्यू बता देती हूँ. मॉर्निंग के 7 बजे और हम जब होटल पहुंचे तब हमें पता चला कि जो लेक है वो तो काफी नजदीक है, जैसे वॉकेबल डिस्टेंस पे है, 2 मिनट के डिस्टेंस पे है यहाँ पे. तो लेक की बात करें तो लेक यहाँ पे जो फेमस है वो काकरिया लेक है. सो हम काकरिया लेक में आज जाने वाले, जैसे शाम करीब हम सोच रहे वॉकिंग के लिए जाए, बट यहाँ पे देख सकते हैं लोग जैसे वॉकिंग जाते हैं मॉर्निंग वॉक्स के लिए स्पेशली. इवन हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने भी बोला था कि आप मॉर्निंग में जाओ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है आपको. सो वैसे हम आज का हमारा जो प्लान है फर्स्ट वो है मंदिर जाना, जो मम्मी के मान्यता के हिसाब से हम जैसे जाने वाले हैं बुट भवानी माँ के टेम्पल में. सो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम और फिर बात बता देते कि हम कैसे जा रहे हैं. फाइनली हम भूत भवानी माँ के टेंपल पहुँच चुके हैं और ये इसका साइड व्यू है एंड यहाँ पे एंट्रेंस भी है और साथ ही साथ साइड में इनकी धर्मशाला भी है. अगर आप कहीं दूर से आते हैं तो धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं. ये इसका फ्रंट व्यू है, सो काफ़ी ब्यूटीफुल है इसका फ्रंट व्यू भी. यहाँ पे धर्मशाला, जैसा मैंने आपको बताया तो ये धर्मशाला यहाँ तक है, इतना बड़ा है ये धर्मशाला. और इसके वॉल पे जो इन्होंने आर्ट किया हुआ है माता का, काफ़ी अमेजिंग तरीके से इन्होंने आर्ट किया हुआ है. ये मंदिर का अंदर का व्यू है एंड ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से आर्ट किया हुआ है. काफ़ी मन को शांति मिल रही है यहाँ बैठ के एंड सुकून अलग ही मिल रहा है यहाँ पे बैठ के. सो बुट भवानी माँ के दर्शन हमने कर लिए हैं एंड यहाँ पे पास ही में गणेश मंदिर भी है, जो यहाँ पे काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी मानते हैं इस मंदिर को. फाइनली हम पहुँच चुके हैं गणेश मंदिर में एंड इनके सामने ही यहाँ पे काफ़ी चिप्स के स्टॉल्स हैं, जो कि काफ़ी फेमस स्टॉल्स हैं. सो हमारी गाड़ी पंचर हो चुकी है सडनली, मतलब इतने बड़े हाईवे पे हमारी गाड़ी पंचर हो गई है. लकीली हमारे पास स्टेपनी है, सो वो अभी निकाल रहे और फिर बाद में बस उसे लगा के एंड देन फिर हम यहाँ से निकलते हैं. सो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें. फाइनली उन्होंने स्टेपनी लगा दी और गाड़ी चलने लगी है. काफ़ी गर्मी भी हो रही थी हमें. सो अब हम यहाँ ग्वालिया में पहुँचे हैं. यहाँ का फेमस स्वीट शॉप है ये अहमदाबाद में, ये प्रहलाद नगर में आता है. गूगल पे इसे 4.1 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है एंड इवन आप यहाँ पे स्नैक्स खाने के लिए भी आ सकते हैं. यहाँ पे देखिए जैसे टेबल भी लगाया इन्होंने, सो आपको ऑनियन कचौरी खानी हो या फाफड़ा जलेबी समोसे, और ये जैसे यहाँ पे स्वीट्स की आइटम रखी है, गुलाब जामुन गया है एंड ये बंगाल स्वीट्स है. इनमें से हमने मैंगो पिस्ता किंग और मैंगो रस मलाई खाया था हमने. ये यहाँ पे अब दूध की मिठाइयाँ है, काफ़ी काफ़ी अलग अलग मिठाइयाँ यहाँ पे थी एंड इवन ड्राई फ्रूट्स मिठाइयाँ भी थी इनके पास. तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ से शॉपिंग भी किया है और हमारे काफ़ी रिलेटिव्स को यहाँ से मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो हमने शॉपिंग उनके लिए की है स्पेशली. फाइनली हम खाने के लिए आए विशाला में एंड ये वानसा रोड पर आता है. यहाँ का काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पे ये एंड ये काफ़ी, मतलब आपको विलेज
टच देता है. काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पे दी हुई है उन्होंने, एंड यहाँ पे उन्होंने शेड भी दिया है गाय भैंसों के लिए. एंड यहाँ पे काफ़ी अवार्ड से भी इन्हें सम्माना गया है. यहाँ पे इन्होंने जलेबी रखी है, फाफड़ा रखा हुआ है, और यहाँ पे उन्होंने पात्रा भी दिया हुआ है. ओ हाय, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ पे आए हुए हैं खाने के लिए. एंड इनके पोस्टर्स भी एंड फोटोज़ भी इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं इस तरीके से. देखिए यहाँ पे पॉलिटिशियंस हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, काफ़ी लोग यहाँ पे आके खा के गए हुए हैं. एंड एक बार नहीं, दो तीन बार भी यहाँ पे आपको देखिए फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे. यहाँ पे पानी भी देखिए इन्होंने मटके में रखा हुआ है. एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इन्होंने अचार, पापड़ या ताले का मटके से रखा है उन्होंने स्टोर. सो इसका मेन्यू जो है अब देखते हैं हम. सो यहाँ पे अनलिमिटेड लंच है, डिनर भी है, एंड नीचे यहाँ पे टाइमिंग भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है. और यहाँ पे पूरी शाक है, परोठा शाक है, कचौरी शाक, पालक नाम मुठिया, वेजिटेबल पंकी, पालक का भुजिया, ओके, थेपला भी है. सो यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग के साथ उनके डिशेस में क्या क्या बाइफिकेशन मतलब मिलेगा इसमें, वो सारी चीज़ें मेंशन की इन्होंने. हमने पूरी शाक ऑर्डर किया हुआ है. एट प्रेजेंट इनके पास कोई ज़्यादा वैरायटीज अवेलेबल नहीं थी, सो हमने पूरी शाक और पालक का भजिया ऑर्डर किया हुआ है. खाना काफ़ी अच्छा था और अब हम चल पड़ते हैं होटल की तरफ आराम करने के लिए. शाम के 6 बज चुके हैं और हम अपने होटल से निकल के काकरिया लेक वॉक करने के लिए जा रहे हैं. 2 मिनट की दूरी पे जैसे गेट देख सकते हैं, गेट नंबर 5, एंड यहाँ पर टिकट काउंटर भी है. पर है 10 रुपीज़ है, सो काफ़ी नॉमिनल अमाउंट है. एंड यहाँ पे अंदर के साइड पर अगर हम बात करें तो काफ़ी एक वेल मेंटेन इन्होंने रखा हुआ है काकरिया लेक, एंड LED एंड पीछे मैप भी इन्होंने बताया है. सो यहाँ पे वाओ जो व्यू है इन्होंने दिया लेक के ऊपर लाइट्स लगा के, एंड म्यूज़िक भी यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, एंड इवन यहाँ पे जेट स्की एंड स्पीड बोट भी यहाँ पे चलाते हैं. अगर हम बात करें प्राइजेस की तो स्पीड बोट की 130 एंड जेट स्की की 250. तो हम बस अब बैठने के लिए निकल पड़े लाइन में. इनके बाद अब हमारा ही नंबर है, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बैठने के लिए. मम्मी क्यों फीलिंग है मम्मी? Excited. And I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we die. High on life till the day we die. Give out the experience. अरे बहुत सरस हती, मजा आवी गई मने बाप रे. इतनी मजा आवी ना, मैं कोई भी अभी मजा करी थी नहीं जिंदगी में. आपकी उम्र थी गई एक्सपीरियंस बहुत मजा आया. आप भी ट्राई करो. बहुत ही मजा आया, ट्राई करने जैसा है.
हमने ये कार बुक की है एंड ये सिर्फ काकरिया लेक में, हाय, ये काकरिया लेक में ही मींस घूमती है। अगर आप मतलब वॉक नहीं कर सकते और आपको पूरी तरीके से काकरिया लेक देखना है तो आप इस तरीके से बैठ के पे करके आप देख सकते हैं, बिकॉज हमारी नानी थी। इसी तरह हम अपना व्यू एंजॉय करते हुए काकरिया लेक देख रहे हैं। गुजरात आए और अमूल की आइसक्रीम नहीं खाई, क्या बात है फिर। एंड यहाँ पे खाने के स्टॉल्स भी है, लाइन से मतलब आपको स्टॉल्स मिलते हैं। हमने पानी पूरी ट्राई किया यहाँ पे, हक्का नूडल्स ट्राई किया, मंचूरियन भी यहाँ पे ट्राई किया हमने।